जयंती तो रखना फोन यार, क्यों दिमाग का भाजी पाला कर रहा है यार। ये इंट्रो लगाओ यार। हेलो कौन? हम बोले। हेलो कौन? हम बोले। कौन? हम बोले। हेलो कौन? नहीं जानती। नहीं जानती। नहीं जानती। नहीं जानती। तो रखना फोन, काहे के लिए टाइम पास कर रहा है, चल निकल। तो गाइस वापस एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो अभी हम वापस टिकटॉक के बहुत अजीब नमूनों को हम करने वाले हैं। तो आपने जैसे कि प्रैक्टिकल देख लिया होगा भाई, सही में यार ये अंकल क्या है यार, क्यों नहीं जाती? तो रखो ना फोन, अभी रख फोन, रख, रॉन्ग नंबर है तो रख, रखा करो, शिकायत नहीं है क्या मम्मी ने? हाँ नहीं तो हाँ, ऐसे ये अकेले अंकल ही है और भी है, देख के आगे चलिए। अरे यार चलिए देखते। बोल पापड़। पापड़ ले जा पड़। ओए सुन। बोल आटा ले चाटा। सब लोग ऐसे स्टाइल में चलते, चाचा का स्टाइल तो दिखे। हाँ नहीं तो और ऐसे इन लोगों ने क्या लिरिक्स बनाया? एक अजनी बोल आटा कौन है रे? अच्छा तो मैं भी लिरिक्स बना दूंगा यार, बोल माटा। देखो कुत्ते ने काटा, ए हंस रे हलकट। हाँ ना हंसूंगे ना, मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। बोल पापड़। पापड़ ले जा पड़। ओए सुन। बोल आटा ले चाटा। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे टिकटॉकर्स को उठा ले। शादी का स्वैग तो देखो यार, दो यार नहीं आज चलने का चल, सब लोग ऐसे चलते फाइल में और दादी के। आप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? अरे यार मेरे को ना आइज़ैक न्यूटन से बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, ग्रेविटी सिखाने का फायदा क्या है? इन लोग भाई एक छोटे से बॉम्ब से तू इतना ऊंचा उड़ गया, तो मैं तो बोलता हूँ ना अभी जो यूएसए ने ईरान पे हमला किया ये रस्सी बॉम्ब ही फेंक देते थे, क्या होता था? ज्यादा कुछ नहीं, पूरा ईरान उड़ जाता था। आइटम बॉम्ब फेंकने की क्या जरूरत है आपको? मैं तो बोलता है ना सैनिकों को अपने यही देना चाहिए बॉम्ब, ऐसा फेंक के मारा एक दुश्मन का, दुश्मन किधर का किधर हो गया हम ना, ये क्या है ऐसा गिरा उड़ गया, वाह वाह साइंस की पूरी येड़ भगा दिया है इस लड़की ने भाई। सही में इंडियन आर्मी को ये हथियार तो मैं देने जा रहा हूँ, मोदी जी से सिफारिश करो कि ये हथियार दे दो। अरे ईरान के आदमी इधर से उधर हो जाएंगे, पाकिस्तान के आदमी इधर से नीचे हो जाएंगे, समझे यार? इतने आदमी को एक आदमी ऊपर उड़ते गए, तू क्या बोलता साइंस? हाँ कुछ नहीं बोलने का, इतना ऊपर उड़ता है, इतना इतना ऊपर कोई उड़ता है क्या यार? कुछ भी इधर ये रस्सी बॉम्ब से एक का हाथ जल जाएगा समझो, पैर जल जाएगा, पर ये आदमी पूरा आदमी आदमी ऊपर उड़ गया, वाह भाई वाह, क्या लॉजिक है, मास्टरपीस। ऐसा एक भी बंदा मिलेगा नहीं आपको वर्ल्ड में, एक ही ये बंदा है भाई। तालियां आगे। जब तेरे ख्यालों में उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अरे यार अभी मैं इसके ऊपर क्या बोलूं यार, अबे साले माफ करना वो मुंह से इधर उधर निकल जाता हूँ मैं। हाँ तो मैं बताने जाता हूँ, अरे यार तू मतलब टोकरी तुझे पता नहीं चला प्यार के अंधे, ऐसे देखो भाई इधर और ये है यहाँ पे टोकरी, तो तू वो उठा सकता है, पर तेरे सामने जो टोकरी रखी है कढ़ाई वाली वो नहीं उठा सकता, पर टोकरी उठाएगा, हम गैस पे रखेंगे, उसके बाद हम तेल लेंगे, तेल भी इसको परफेक्ट एंगल में डाला उसने,
तेल भी बाहर इधर उधर नहीं, सीधा ऊपर गैस के ऊपर, गैस के ऊपर गिरा। उसके बाद उसको ये भी पता कि भाजी कहाँ पे रखे, भाजी उठाया उसने वो भी डाला। मतलब कितना अटैक कर रहे हो यार लाइकी। मतलब मुझे लगा था कि टिकटॉक से अच्छा लाइकी है, पर लाइकी तो टिकटॉक से भी ठाजी है। तो यार ये लड़का क्या पागल विगल है क्या यार, सही में सही में। चलिए आगे देखते हैं। उसकी माँ तो सॉरी उसके बाजू में उसकी मम्मी भी बैठी है जो वहां पे देख रहा है। तो एक ऐसा लगा कि देने का उसको, किसको देख रहा है तू, किसको, अपनी बहन को? बहन को नजर लगाता है हरामखोर। ये ले माचिस का। बहुत मजा आया, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए इन लोगों के साथ स्वैग में। ये देख रेस मार रहा हूँ मैं, और उसने पटक से आके गिर डाल दिया और बता दिया हमारे, मैं स्वैग वाला लड़का, मैं हूँ स्वैग वाला लड़का, स्वैग वाला लड़का हूँ मैं, स्वैग वाला लड़का। यो यो साहिल क्या बोलना चाहता है बताना। पटेली मारता है सर, पटेली मारेगा ये ले फिर पंखा। वो फिर उसको आगे, अरे मेरा गला बढ़ गया, आगे गिरने के बाद गाना लिया सुनाता है। तेरे को समझ में नहीं आता गाना ही कौन, तेरा पप्पा ने दिया था क्या? ऐसा उठ के ऐसा गिर जाता है नीचे, बहुत मजा आता है यार। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। मेरे लड़के के साथ हुए नाचो, दिन गया मेरा दिन गुजर गया ये नाचो। भाइयों वो सोचता है कि हम ये है धूम 4 के राइडर। ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी, चांद के जैसे छुपती और निकलती थी। चलती थी तो तेरा क्या प्रॉब्लम है? ऐसे ऐसे जो नाच के बता रहा है तू चड्डी में हाथ डाल के, किसका चड्डी रहा है? हाथी का चड्डी या किसका, सुअर का चड्डी या का पप्पा का चड्डी? मजाक है। तो सही में वो चलती थी तो तेरा क्या प्रॉब्लम है? वो ऐसे चलती थी तो तेरा क्या प्रॉब्लम है? और हाँ एक मेन टॉपिक, चांद कहाँ से छुपने लग गया? अरे चांद तो छुपता है, चांद कभी भी छुपता नहीं था यार। ए चुप रहे मेरे को वीडियो बनाने दे। चांद तो छुपता ही नहीं था यार, चांद कभी। ऐसे लड़के हैं यार, दादी की उम्र हो गई है, उनको आपको ठुमके लगा पल पल ले मेरे टिंकू जिया। और दादी का स्वैग तो देखो ऐसा, देखो प्रैक्टिकल पल पल ले मेरे दादी पर भी कुछ नहीं, पल पल ले मेरे टिंकू जिया सर कमन रे घिसेर दिया। सही में और कौन ऐसे अपनी दादी को परेशान करता रहेगा यार? क्या बोल रहा है एक मिनट, क्या अपनी दादी को कौन ऐसे छेड़ता है, अपनी दादी को कौन ऐसे छेड़ता है साहिल का प्रश्न। तो आपको ये वीडियो लाइक कमेंट कीजिए। और ये हाँ एक इम्पोर्टेंट बात, हमें नया मोंटी रॉय मिल गया लड़की, इसके ऊपर वीडियो बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और रोमलम पार्ट 2 बेशरम लड़के कल आने वाला है, कल आने वाला वीडियो। तो तब तक के लिए तैयार रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और सब्सक्राइब।